पिछले 20 घंटों में आग का चौथा तांडव, दिल्ली में आग का कहर, जीबी बंद अस्पताल के पीछे झुग्गी बस्ती आग में खाक। मुंबई के मंत्रालय में फिर से लहराया तिरंगा, 12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बुझी आग। मंत्रालय की आग में 3 की मौत, डिप्टी सीएम से मुलाकात के लिए बारामती से आए थे 2 लोग। इलाहाबाद के खैरबंदा मार्केट में भीषण आग, एक महिला की मौत, 5.5 घंटों से जल रहा है बाजार। गुड़गांव में बोरवेल में फंसी 5 साल की बच्ची माही का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक नहीं मिली कोई भी कामयाबी। महंगाई के खिलाफ आज फिर से अलग जगाएगी बीजेपी, देश भर में पार्टी के नेता भर रहे हैं जेल, अहमदाबाद में प्रदर्शन शुरू। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली पुलिस अदालत में दाखिल करेगी कार्रवाई रिपोर्ट, सांसदों के खिलाफ टिप्पणी का मामला। आज होगा पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का चुनाव, मखदूम शहाबुद्दीन के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद सत्ताधारी पीपीपीवी ने रजा परवेज अशरफ को नामित किया। कैलाश मानसरोवर यात्रियों को यूपी सरकार देगी तोहफा, राज्य से मानसरोवर जाने वालों को 50,000 की मदद देने की योजना। और रुपए का गिरना लगातार जारी, डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर पहुंचा, डॉलर की कीमत 56 रुपए 87 पैसे।